सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण यानी सोलर इक्लिप्स और लूनार इक्लिप्स एक दिलचस्प घटना है जिस पर दुनिया भर की नजरें टिकी होती है। यदि इस साल 2023 की बात करें तो इस वर्ष 4 ग्रहण हैं, जिसमें 2 लग चुके हैं और 2 अभी बाकी हैं, जो इसी महीने यानी अक्टूबर में होंगे। विज्ञान की दृष्टि से ग्रहण लगना एक खगोलीय घटना है जो साल दर साल होती रहती है, लेकिन भारत में सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण ज्योतिष शास्त्र में भी खासा महत्व रखते हैं और इन्हें लेकर कई प्रकार की मान्यताएं भी हैं। माना जाता है कि ग्रहण की अवधि में सूतक काल होता है, जिसमें पूजा, मांगलिक कार्य, भोजन बनाना, गर्भवती महिलाओं का घर से बाहर निकलना, इन सभी की मनाही होती है। ऐसे में ये जानना बेहद जरूरी है कि इस अक्टूबर में किन किन तारीख में सूर्य और चंद्र ग्रहण लग रहा है और इस दौरान सूतक काल कब से कब तक लागू होगा। तो इन सभी सवालों के जवाब जानते हैं उन्नाव के ज्योतिषाचार्य पंडित ऋषिकांत मिश्र शास्त्री से। सबसे पहले आपको बता दें कि इस वर्ष का पहला ग्रहण यानी सूर्य ग्रहण 20 अप्रैल को लगा था, जो कि एक पूर्ण सूर्य ग्रहण था। वहीं पहला चंद्र ग्रहण 5-6 मई की रात लगा था, जो कि एक उपछाया चंद्र ग्रहण था। अब साल का दूसरा सूर्य ग्रहण और दूसरा चंद्र ग्रहण अक्टूबर माह में होगा और केवल 15 दिनों के अंतराल में ही दोनों खगोलीय घटनाएं होंगी। ज्योतिषाचार्य के अनुसार साल का दूसरा सूर्य ग्रहण 14 अक्टूबर 2023 शनिवार के दिन होगा। ये रात 8:34 से शुरू होगा और रात 2:25 पर समाप्त हो जाएगा। ये ग्रहण कन्या राशि और चित्रा नक्षत्र में होगा। ये ग्रहण पश्चिमी अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अटलांटिका, अंटार्कटिका में दिखाई देगा। ये ग्रहण भारत से दिखाई नहीं देगा, इसलिए इस ग्रहण का सूतक काल भी भारत में मान्य नहीं होगा। हालांकि यदि आप चाहे तो एहतियात के तौर पर कुछ सावधानी कर सकते हैं। साल का दूसरा और अंतिम चंद्र ग्रहण 29 अक्टूबर 2023 रविवार के दिन लगेगा। ये ग्रहण रात 1:06 से प्रारंभ होगा और 2:22 पर समाप्त होगा। ये चंद्र ग्रहण एक पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा और पहले चंद्र ग्रहण की तरह ही ये चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई देगा, जिससे सूतक काल मान्य होगा। इस दौरान सावधानी बरतना जरूरी है। वैज्ञानिक दृष्टि से सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण दोनों ही खगोलीय घटनाएं हैं। आइए ये भी समझते हैं ये कब और कैसे घटती है। सबसे पहले जानते हैं सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण की घटना तब होती है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच से गुजरता है। चंद्रमा के बीच में होने से सूरज ढक जाता है और इस दौरान सूरज का कुछ ही हिस्सा दिखाई देता है, जिसे सूर्य ग्रहण कहते हैं। सूर्य ग्रहण 3 प्रकार के होते हैं, आंशिक, वलयाकार और पूर्ण सूर्य ग्रहण। चंद्र ग्रहण की बात करें तो सामान्यतः पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है और चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है। इस प्रक्रिया में एक समय ऐसा भी आता है जब चंद्रमा, पृथ्वी और सूर्य एक ही सीध में आ जाते हैं, या कहें कि पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच आ जाती है। इस स्थिति में सूर्य का प्रकाश चंद्रमा तक नहीं पहुंचता है और चंद्रमा पर पृथ्वी की छाया गिरती है। ऐसे में चंद्रमा का छाया वाला भाग काला दिखाई देता है, जिसे चंद्र ग्रहण कहा जाता है। ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी ही वीडियोस के लिए बने रहिए न्यूज़ 18 हिंदी ओरिजिनल्स पर।